दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फिक्स वेडिंग बजट, यानी कि आप किस तरीके से अपना वेडिंग बजट तय करें। अब वेडिंग बजट तय करने में दो चीजें हैं, एक क्लाइंट अपना वेडिंग बजट तय करता है, दूसरा फोटोग्राफर क्लाइंट से अपना वेडिंग बजट तय करवाता है। यानी कि आप कैसे फिक्स करें कि आपको काम 50,000 रुपये में करना है, आपको काम 1,00,000 रुपये में करना है या आपको काम 5,00,000 रुपये में करना है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि भैया मार्केट में यार 20-30,000 रुपये में काम करने वाले भी हैं, तो मैं कैसे अपना काम 50,000 में कर सकता हूँ। यानी कि जब मेरी बात होती है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं वेडिंग फोटोग्राफी का ट्रेनिंग लेने के लिए। ट्रेनिंग से मुझे याद आया कि 11 मार्च 2023 से हमारा वेडिंग फोटोग्राफी और फोटो एडिटिंग और वेडिंग सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग, ये दो अलग अलग कोर्सेज ऑफलाइन कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं। हम A to Z फोटोग्राफी से रिलेटेड, यानी कि फ़ोटो कैसे खींचना है और उसको एडिट कैसे करना है ये, और सेकेंड एक कोर्स है जिसमें सिनेमेटिक शूट कैसे करना है और उसको एडिट कैसे करना है ये, तो ये दो चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं। इसका सारा डिटेल मेरे इंस्टाग्राम आईडी में आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम के स्टोरी में, तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, हम बात कर रहे थे कि वेडिंग बजट कैसे तय करना चाहिए। मार्केट में यदि आप सोचते हैं कि भैया एक फोटोग्राफर है जो कि आपको लगता है कि यार ये वो तो 30,000 रुपये में 3 दिन का वर्क कर दे रहा है, समझिएगा मेरी बात को, मैं ये फिक्स फिगर नहीं बता रहा हूँ, और ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं, इवन मुझे भी पहले ये ख्यालात आते थे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, आपको हमेशा प्रायोरिटीज योर स्पेंडिंग, आपको हमेशा प्राथमिकता देना है कि आप क्या दे रहे हैं, आप क्या खर्च कर रहे हैं, यानी कि आप कौन सा कैमरा लगा रहे हैं, आप कौन सा लाइट लगा रहे हैं, आप कितने बंदे लगा रहे हैं, कितने लोग लगा रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात कि आप अपना रेट आपको खुद को ही तय करना होता है, आपकी वैल्यू आप ही तय करेंगे। यदि आप मुझसे फ्रीलैंसिंग का चार्ज पूछेंगे तो मैं डेली का या वन डे का 25,000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ सिर्फ फ्रीलैंसिंग शूट करने का। अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर आप कैमरा कौन सा लेकर के आते हैं, तो हो सकता है मैं आपको बोलूँ कि यार मैं A7M3 या फिर A7M4 लेके आऊँ, तो आप देखेंगे कि मार्केट में A7M3 और A7M4 में शूट करने वाले लोग आराम से 3,000 से 5,000 रुपये में अच्छे खासे लोग मिल जाते हैं। फिर मैं क्यों 25,000 रुपये ले रहा हूँ? तो दोस्तों ये मेरी चॉइस है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरी चॉइस है, मैं अपना प्राइसिंग तय करूँगा, आप मेरी प्राइसिंग तय नहीं करेंगे। और यही होना चाहिए आपके बजट फिक्सिंग में भी, यानी अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हैं 30,000 रुपये में, तो आप ही तय करेंगे कि भैया मुझे 30,000 करना है। आप कभी भी अपने पड़ोसी, अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी कॉम्पिटिटर के रेट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमेशा आपको दिल से पछतावा ही होगा, आपको हमेशा तकलीफ होगी कि यार ये मैंने गलत कर दिया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। देखिए आपका जो, अब जैसे मैं यहाँ लोकल की बात करता हूँ, तो यहाँ लोकल में मेरे साथ जो लोग हैं, जो लोग काम करते हैं, वो लोग बहुत ही बेसिक कैमरों के साथ काम करते हैं, बहुत बेसिक कैमरा इन द सेंस कि मान के चलते हैं कि वो D 5600D, 5600D या फिर 80D इस तरह के कैमरे के साथ काम करते हैं, है ना। अब यहाँ पे जब कस्टमर मेरे पास आता है तो कस्टमर यही बोलता है कि भैया वहाँ पर तो उन्होंने हमको 30,000 रुपये में 4 दिन की वेडिंग का पूरा प्राइस बता दिया, और जब मैं यहाँ पे लोगों को 60,000 रुपये 2 दिन की वेडिंग का बताता हूँ तो डेफिनेटली लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया इतना महंगा क्यों है, और मेरे 100 में से ये मान के चले 90% लोग मेरे कट जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो 10% लोग आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अगर अपने ऑर्डर ही कम हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मार्केट कहाँ करते हैं, अभी आप एक चीज़ सोचिए, मैं रहता हूँ यहाँ छोटे से गांव चारामा में, और मैक्सिमम ऑर्डर्स मेरे होते हैं रायपुर के, बिलासपुर के, या फिर आउट ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि कभी मैं नागपुर चले जाता हूँ, कभी MP चले जाता हूँ, कभी इंदौर चले जाता हूँ, तो यहाँ के ऑर्डर्स अगर मेरे पास हैं तो डेफिनेटली देखिए, अगर आपके लोकल में आपको अच्छे प्राइस में ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो आपको हमेशा देखना है कि आपको जहाँ से प्रॉपर उस प्राइस में मिले, जहाँ जिससे आपका एक्चुअलिटी हो, जो आपको लगे कि हाँ यार ये मेरे लायक का है, ये मेरे समझ लीजिए ये मेरे हिसाब का काम है, और जिसमें आपको 2 पैसे बच रहे हो आप वहीं पे काम कीजिए। अदरवाइज टाइम पास करके वेडिंग फोटोग्राफी करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग अभी ये सोचते हैं कि यार मैं तो नया हूँ, अभी मैं मार्केट पहले बना लेता हूँ और उसके बाद फिर धीरे से जब मैं मार्केट में आ जाऊँगा तो रेट बढ़ा दूंगा। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, बहुत रेयर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो मार्केट में पहले कम प्राइस में काम करते हैं
और बाद में वो अच्छा प्राइस लेने लग जाते हैं। लेकिन जैसे आप मार्केट में शुरू में कम प्राइस करके काम कर रहे थे और जैसे ही आप ज़्यादा प्राइस करने लगेंगे तो आपके क्लाइंट कट जाएंगे। उससे बेटर है कि आप मार्केट में काफ़ी अच्छे प्राइस के साथ काम कीजिए। मेरी मुलाकात हुई थी हरियाणा में एक बहुत अच्छे इंसान है, एग्जैक्ट मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनका सरनेम गांधी है, और उनसे मेरी एक बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार मैंने स्टार्टिंग ही 3 लाख रुपीज़ से चालू किया, मतलब 3 लाख रुपए से कम में वो काम ही नहीं करते, साल के 5 काम भी करते हैं। तो शुरू में उनको 3 लाख रुपये में लोग हंसते थे कि यार इसको कौन काम देगा और ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आज के डेट में जितने भी प्रीमियम क्लाइंट्स हैं सिरसा में, मैक्सिमम लोग वहीं पे जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी वेडिंग आप कीजिए। तो आप ये सोचिए कि अगर वो बंदा ये सोच के बैठता कि नहीं यार मैं ऐसा करूँगा कि मैं भी 1-1.5 लाख रुपए में काम कर लेता हूँ, या लोग 70-80 हज़ार में करें तो मैं भी कर लेता हूँ, ये चीज़ है कि आपको ही आपकी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना है, अदरवाइज़ आपको परेशानियाँ होंगी जैसा कि अभी हो रहा है। आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको खुद को अभी लग रहा होगा कि यार नहीं मैंने ये चीज़ गलत किया है और इसीलिए मेरा प्राइस कम है। एक बार मेरा रिक्वेस्ट है, 1 साल आपको प्रॉब्लम जाएगा, मे बी 2 साल प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन उसके लिए आप कोई दूसरा सोर्स खोज लीजिए। आप एडिटिंग में आ जाइए, आप वीडियो एडिटर बन जाइए, आप फोटो एडिटर बन जाइए, सेकंड कोई भी इनकम आप सोर्स आप ढूंढ लीजिए, लेकिन वेडिंग में प्राइजेस कम मत कीजिए। आप एक चीज सोच के देखिए, एक बैंड वाले जो भैया होते हैं हमारे, है ना, जो बैंड बजाते हैं यार, वो सिर्फ 3 घंटे बजाने का ना काफी पैसा चार्ज करते हैं। एक फ्लावर डेकोरेशन वाला जो बंदा होता है वो सिर्फ 1 दिन के डेकोरेशन का, मे बी 1 दिन पूरा लग जाता है, 1 दिन के डेकोरेशन का पूरा चार्ज करता है। अगर मैं एक इवेंट वाले बंदे की बात करूं, जैसे जो कोल्ड पायरो वगैरह यूज़ करते हैं और जो एंट्री कराते हैं, पेपर ब्लास्टिंग करते हैं, उनका तो काम सिर्फ 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का वो इतना अच्छे पैसे चार्ज करते हैं। उसके अलावा टेंट वाले की बात कर लीजिए, खाना वाले की बात कर लीजिए, जो भोजन बनाते हैं, वो सारे लोगों का जो टाइम है ना वो फिक्स होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही उनको पैसे मिलते हैं। आप सोचिए, आप एक फोटोग्राफर हैं और आपका काम दोस्तों 1 दिन 2 दिन 3 दिन का नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे इस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। सोच के देखिए, अगर आप 30,000 रुपये में काम कर रहे हैं और अगर आपने 3 दिन का ऑर्डर लिया है, तो 3 दिन का ऑर्डर ऐसा नहीं होता, 3 दिन से पहले आप 1 दिन उनसे बात कर रहे हैं, वो 4th दिन जुड़ गया। उसके अलावा जब आप शूट करके आते हैं तो कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, 1 दिन लग जाता है, वो हो गया 5वां दिन। अगर आप खुद से वीडियो एडिटिंग करते हैं तो एटलीस्ट 2 दिन लगते हैं, वो हो गया 6वां और 7वां दिन। अगर आप फोटो एडिट करते हैं तो एटलीस्ट 1 दिन तो लगता ही लगता है, तो ये हो गया 8वां दिन। टोटल 8 दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद आप प्रिंटिंग में देते हैं, प्रिंट से आने के बाद उनको डिलीवर करते हैं। दोस्तों एक वेडिंग ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ 9 से 10 डेज का होता है। 9 से 10 दिन के इस वेडिंग को आप सिर्फ 30,000 रुपए में बांट रहे हैं, उसमें भी आपको 30,000 रुपए पूरे नहीं मिल रहे हैं। आपको प्रिंटिंग के पैसे देने हैं, आपको फोटोग्राफर को पैसे देने हैं, आपको वीडियो एडिटर को पैसे देने हैं, एंड ऑल द थिंग्स सभी जगह पैसे देने हैं। तो आप खुद सोच के देखिएगा कि आपको कितना बेनिफिट होता है एक वेडिंग से, कितने पैसे आप बचाते हैं। अब आपको ही फिक्स करना है कि भैया आपको एक वेडिंग में 20,000 रुपए बचाना है। एक सिंपल सा लॉजिक है, मान के चलते हैं कि आपको 1 साल में 30 वेडिंग मिलता है, ठीक है, आपको 1 साल में 30 वेडिंग मिलता है। आप एक रेशियो डिसाइड कर लीजिए कि आपको पर वेडिंग कितना पैसा बचाना है। जैसे मान के चलिए, अगर मैं पर वेडिंग 20,000 रुपये बचाता हूँ और मुझे 30 वेडिंग मिलती है, तो दोस्तों मैं 6 लाख रुपए ही बचाऊंगा। 6 लाख रुपए में मुझे पूरा साल चलाना है, ठीक है, पूरा साल में फिर मुझे कैमरे भी अपडेट करने हैं, सॉफ्टवेयर भी अपडेट करने हैं, मुझे अपने खर्चे भी निकालने हैं, घर का भी खर्चा निकालना है। आप सोच के देखिए, जब मैं 30 वेडिंग का हिसाब लगाता हूँ और उसमें सिर्फ 20,000 का प्रॉफिट रखता हूँ, तो मैं सिर्फ 6 लाख रुपए का समझ लिए प्रॉफिट रखता हूँ, और उस 6 लाख रुपए को आपको पूरे साल भर, यानी कि 12 के 12 महीने सेटअप करना है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि एक वेडिंग में आपके कितने पैसे बचने चाहिए। अगर आप चाहते हैं एक वेडिंग में 10,000 बचाना तो 10,000 बचाएं, एक वेडिंग में 20,000 बचाना तो 20,000 बचाएं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से एक वेडिंग में एटलीस्ट कितने पैसे बचने चाहिए, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी आप बचा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे पैसे बचाएं, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ वेडिंग भले आप कम कर दीजिए, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट रेशियो कम रहेगा तो एक चीज़ हमेशा रखिएगा कि आपको नंबर ऑफ वेडिंग्स बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा वेडिंग्स आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम इन द सेंस सारे डेटा मैनेज करना, फिर एडिटिंग उतना करवाना और सारा चीज़। तो बेटर है कि आप कम काम करें,
लेकिन बहुत अच्छा काम करें, जिससे आपका फोकस प्रॉपर रहेगा, आप अपने आप को एज अ ब्रांड बिल्ड कर पाएंगे। दोस्तों आज का ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये आया था हमें इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम में बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन था कि भाई हम अपना बजट कैसे फिक्स करें। तो मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताया कि आपको डिसाइड करना, जैसे मान के चलिए आपके पूरे खर्चे मिला के, जिसमें फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर और फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग मिला के मान के चलते हैं कि आपको 30,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, ये आपके बजट के हिसाब से, मुझे तो किसी भी हालत में नहीं आता, उससे कहीं गुना ज़्यादा आता है। तो मान लीजिए आपका बहुत कम बजट है, आप बहुत कम कम खर्चे में लोगों को हायर करते हैं और आपका सिर्फ बजट 30,000 आ रहा है, तो 30,000 में कम से कम आप 25,000 का मार्जिन रखिए, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये मिनिमम में 10 दिन का काम है एक वेडिंग का, शुरू से लेके लास्ट तक का। तो 10 दिन को अगर आप पर डे सिर्फ 2,000 रुपये भी जोड़ते हैं, तो एटलीस्ट आपका 20,000 रुपये जो है वो होना चाहिए, ताकि आप 2,000 रुपये पर डे के आदमी हो। अगर आप 2,000 रुपये पर डे के भी इंसान नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से तो ये गलत है यार, एटलीस्ट एक वेडिंग में 20,000 रुपये मेरे हिसाब से बचना चाहिए, मेरे हिसाब से, बाकी आपकी चॉइस है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो लंबा हो गया है मे बी, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो राजा अवस्थी 007 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मेरे सेकेंड इंस्टाग्राम आईडी यानी कि school.rajaavasthi इसको फॉलो नहीं किया तो इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे मोबाइल एप्लीकेशन राजा अवस्थी एकेडमी को नहीं देखा है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से राजा अवस्थी एकेडमी को देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप हमसे चाहते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू जुड़ना, तो school.rajaavasthi.com ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर भी हमारे 10 के आसपास कोर्सेज हैं। और हमारा एक प्रोग्राम चलता है WPPC मेंबरशिप, अगर आप WPPC मेंबरशिप के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कितना मार्जिन रखना चाहते हैं एक वेडिंग में, उसके अकॉर्डिंग मैं डेफिनेटली और भी वीडियोज़ बनाऊँगा अगर आपके रिक्वेस्ट है तो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टारगेट करते हैं कम से कम 2,000 लाइक्स का, तो लाइक्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग राजा अवस्थी, साइनिंग ऑफ।